लेबर सब चल रहा है इतना कि बालू बंद हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, इतना लेबर मजदूर जो है एकदम बेगारी मदम घूम रहा है, खाने पीने भर जो है नहीं हो रहा आदमी को, सब यही कंस्ट्रक्टर सब लेबर मिस्त्री है सर। पानीपत में काम करते हैं फैक्ट्री में, वो अडानी का फैक्ट्री उसी में। विधानसभा का चुनाव झारखंड में दो चरणों में होना है, पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा है 20 नवंबर। तो ऐसे में इस वक्त मौजूद हूँ ग्रामीण परिवेश में कटकम ताग के महूडर गांव में, और हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं। तो आइए पहले जानते हैं ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं और इस बार क्या चुनावी माहौल रहने वाला है यहाँ। चाचा क्या है चुनावी माहौल इस बार? 13 तारीख को, हाँ 13 तारीख का चुनाव है, लेकिन क्या माहौल है, मतलब कौन माहौल? अभी सब अभी जागरूक हो रहा है, अभी जागरूक हो रहा है। कोई प्रत्याशी आए कि नहीं अभी तक? नहीं आए, नहीं अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आए। नहीं। क्या नाम हुआ? MD निसार। अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ आए नहीं? नहीं कोई नहीं आया। इस बार आप लोग का मालूम है कि नहीं, मतलब कौन कौन से प्रत्याशी आप लोग के क्षेत्र में? सो मालूम नहीं है। नहीं नहीं। आइए जानते हैं, पूछते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बार के चुनाव में क्या कुछ माहौल है गाँव गरम का। भैया एक मिनट समय लेंगे आपसे, इस बार का चुनाव जान रहे हैं ना 13 नवंबर को होना है, तो इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है, चुनाव का माहौल है बहुत बढ़िया है, बढ़िया लगा। क्या बढ़िया लगा है मतलब के कारण? 5 साल में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन बढ़िया क्या लगा, बढ़िया कुछ कोई कुछ बढ़िया नहीं लगा। लेकिन अभी तत्काल में 2 महीना पहले याद आई है महिलाओं को, और उसके पहले 5 साल से 4 साल 8 महीना कहाँ सोए हुए थे। हेमंत जी ये तो सोचना चाहिए ना, अभी चुनाव का टाइम आया, तो अभी चुनाव में चुनाव के पहले महिलाओं को लुभाने के लिए मतलब वोट बैंक बनाने के लिए बस लोग। और आप किन मुद्दों के साथ वोट कीजिएगा? कि मुद्दा यही रहेगा कि विकास होना चाहिए, जैसे नाली हो गया, रोड हो गया, गली, यही सब। हेमंत सोरेन का 5 साल कैसा रहा? वो तो ठीक है। क्या पसंद आया उनके 5 साल में? वो तो जैसा ही भी है, सब ठीक ही सरकार चल रहा है। आगे चलते हैं और पूरा ग्रामीण क्षेत्र में ही आज इसका पूरा ग्रामीण में बताएंगे कि क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का। महुडर से इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं पसई गांव में, और यहाँ देख सकते हैं लोग, अब थोड़ा सा झारखंड में ठंड भी दस्तक दे रही है, तो लोग धूप सेकते नज़र आ रहे हैं। उधर देखिएगा कुछ है चाची लोग जो बैठी हुई है, ये आप आज बात करते हैं चुनावी मुद्दे की। क्या चाची इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? आप वोट करती हैं कि नहीं? हाँ वोट तो करते हैं। हेमंत सोरेन के 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश है? बहुत खुश है। इस बार क्या आप लोग का मुद्दा रहने वाला चाची, चुनावी मुद्दा क्या क्या मांगे हैं? क्या मांगेंगे, हम लोग का रोड बहुत कचड़ा है, और रोड इतना खराब है, हम लोग इतना वोट दे रहे हैं वकील, रोड हम लोग का सुधर नहीं रहा है, तो हम लोग का दुआरी में जाकर देखिए रोड कितना कचड़ा है, एकदम हम लोग गलीज में रह रहे हैं। इतना मुखिया आया, इतना सरपंच आया, वकील एको हम लोग का रोड नहीं बनाया। अभी देखिए इधर गली वाला पानी जा रहा है, से मेरा रोड पर एकदम देखिए जाकर दुआरी पर, हम लोग का त्यौहार एकदम बैरत है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम आरती देवी हुआ, आरती मसमात हुआ। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं, कुछ दादा लोग हैं, कुछ अंकल भी हैं। तो बताइए दादा, आप लोग तो काफ़ी क्षेत्र में रहें, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होगा, तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले आपका? हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन का नहीं, नहीं इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले अपने ग्रामीण क्षेत्र के, क्या आप लोग का मुद्दे होने वाले? देखिए क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ, जैसा अलबकादी आदमी लोग किसका देगा कि नहीं देगा, कौन देगा, क्या करेगा, दिल में किसी का घुसे हुए है थोड़े? नहीं नहीं, आपको आप लोग की कुछ मांगे होंगे ना, डिमांड? मांग तो बहुत है, लेकिन कोई पूर्ति नहीं हो रहा है। क्या कोई पूर्ति नहीं हो रहा है? किसी को ना मकान मिल रहा है, ना किसी को और कुछ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? जब हम लोग के कोई फायदे नहीं है, तो खरीद नेते लोग के फायदा होना चाहिए। अच्छा, हेमंत सोरेन का 5 साल पूरा होने वाला है, कैसा रहा उनका 5 साल? वो ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते हम लोग एक और गांव आए हुए हैं, और पासी का गांव था, तो यहाँ भी कुछ लोग हैं, कुछ युवक है, तो आइए पूछते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बार के क्या चुनावी माहौल होने वाला। भैया इस बार का क्या चुनावी माहौल होने वाला है? चुनावी माहौल तो अभी तक तो पता नहीं चला सर, ये पता है कि नहीं इस चुनाव का? वैसे चुनाव शायद 12 या 13 तारीख को। 13 तारीख को जी। ये हेमंत सोरेन का काम आप लोग कैसा लगा? देखिए अभी हम लोग तो नहीं बता सकते, अभी तो विचार कुछ हुआ नहीं।
हेमंत सोरेन का काम 5 साल पे हुआ है ना। हाँ उनका, हाँ उनका, हाँ ना उनका तो अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा बिल्कुल। यहाँ कौन कौन है चुनाव में उतरे, ये सब है जानकारी? हाँ जानकारी तो इधर से सिर्फ हम अपना स्टेट का, हम अपना जिला बता सकते हैं। ठीक है, ये बिकुराना है इधर, ये तो निर्दल, ये उसी का है क्षेत्र, क्षेत्र बस इतनी ही जानकारी, ज़्यादा जानकारी तो है। हमारे साथ और भाई लोग हैं, आइए। क्या रहेगा भैया इस बार चुनावी माहौल, क्या है इधर का? हम लोग को नहीं मालूम भाई, यहाँ पे नहीं रहते, बाहर में रहते हैं। नहीं हम लोग तो जाएंगे एक दो तरह, वोट नहीं दीजिएगा? कहाँ जा पाएंगे, जाएंगे बाहर कमाने खाने वाले हम लोग तो। कहाँ काम करते हैं हम लोग? पानीपत में। पानीपत नहीं लगता है कि अगर अपने ही क्षेत्र में कुछ रोजगार की व्यवस्था होती तो होता है, आदमी सोचता है किसी, कौन नहीं चाहता है। तो बोलिएगा तो ना भैया, बोलने से होता कोई बात, बताइए अपना पानीपत में क्या काम करते हैं? पानीपत में वहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में, ठेकेदारी, वो अडानी का फैक्ट्री है उसी में। अडानी तो यहाँ भी पावर प्लांट लगाया है। हम तो इसी के पास वहीं कमाते हैं हम लोग। यहाँ ट्रांसफर कहीं नहीं करवा लेंगे? यहाँ पे तो मालूम नहीं है। अच्छा नहीं लगता है कि हजारीबाग में बड़ा बड़ा कारखाना, कल कारखाना होना चाहिए? कुछ तो यहाँ हो ही नहीं रहा, सब चल रहा है इतना कि बालू बंद हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, इतना लेबर मजदूर जो है एकदम बेगारी मदम घूम रहा है, खाने पीने भर जो है नहीं हो रहा आदमी को, सब यही है कंस्ट्रक्टर, सब लेबर मिस्त्री है सर। हम हजारीबाग में करते हैं सर, हम अपना बस काम करते हैं, मजदूरी वाला ठेकेदार के अंदर में, ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। नहीं लगता है कि आप लोगों को रोजगार का कोई व्यवस्था होना चाहिए? कोई व्यवस्था होना तो चाहिए, लेकिन होगा तब तो, होना तो चाहिए। बहुत दिक्कत है, ये नहीं रहता, इतना बंद कर दे तो कौन गरीब आदमी काम कराएगा? लेकिन कुछ युवा आक्रोश दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ प्लान कर जा रहे हैं, यहाँ के मतलब जो व्यवसाय होता है, जो नौकरी चाकरी जो भी चीज़ होता है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल पाता है, इसके कारण लोग यहाँ से प्लान कर जाते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे थे यहीं के आसपास, सदर विधानसभा क्षेत्र के आसपास, ग्रामीण क्षेत्र का।